आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन के। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि जेके सीए के हवाले से बड़ी खबर जो है वो देखने को मिली है। कल जिस तरह से बीसीसीआई की तरफ से एक बड़ा फैसला यहां पर सुनाया गया था, जिसमें लोग खुश नजर आते हुए नजर नहीं आ रहे थे, तो जेके सीए की इंटरिम कमेटी में अब कश्मीर को भी भागीदारी मिल गई है और बीसीसीआई ने कश्मीर के माजिद डार को इंटरिम कमेटी में शामिल किया है और जम्मू सूबे के 3 सदस्यों का पहले ही यहां ऐलान हो चुका है और जेके सीए के चुनाव होने तक चारों यहां पर एसोसिएशन का काम देखेंगे। आपको बताते चले कि भाजपा के 2 नेताओं को इसके अंदर शामिल किया गया था, जिसमें स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता का नाम रखा गया था और उसके साथ ही साथ सुनील सेठी का नाम रखा गया था और मिथुन मनहास का नाम रखा गया था और आज चौथे नाम की भी घोषणा कर दी गई है, जिसमें माजिद डार का नाम जो है वो रखा गया है, वो भी इंटरिम कमेटी की तरफ से ये ऐलान किया गया। तो जम्मू सूबे में 3 सदस्यों से पहले अब आप देखिए किस तरह से ऐलान किया गया था, लेकिन अब ये 4 सदस्य हो चुके हैं जो बीसीसीआई का ये सारा काम मिलकर देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जेके सीए के जिस तरह से चुनाव यहाँ पर होंगे, चारों यहाँ देखेंगे कि किस तरह से एसोसिएशन का यहाँ काम होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव होने तक यहाँ चारों इस पूरी जिम्मेदारी को निभाते हुए नजर आएंगे। जेके सीए की इंटरिम कमेटी में कश्मीर को अब शामिल कर दिया गया है, क्योंकि बड़े सवाल कल देखने को यही मिल रहे थे कि आखिर सारे लोगों को जम्मू से शामिल किया गया है, कश्मीर से किसी नुमाइंदे को शामिल क्यों नहीं किया गया। तो माजिद डार का नाम सामने रखा गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में अब यहां पर आप देखिए कि इंटरिम कमेटी में इन्हें भी जगह मिल गई है और बीसीसीआई ने लगातार यहां काम करने की कोशिश की है। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जिस तरह से बीसीसीआई यहां पर बड़ा ऐलान करती हुई नजर आ रही थी, देखने वाली बात यहां पर यह है कि किस तरह से अब हालात यहां पर बनते हुए नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि बीसीसीआई के हवाले से सामने आ रही है, जहां पर कल 3 नामों की घोषणा की गई थी और 3 लोगों को यहां पर इस कमेटी के अंदर शामिल किया गया था, जिसमें अनिल गुप्ता, सुनील सेठी और साथ ही साथ मिथुन मनहास का नाम रखा गया था, लेकिन आज माजिद डार का नाम भी सामने आ गया है। अब देखना यह होगा कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर किस तरह से आने वाले समय में काम होंगे, क्योंकि ये चारों मिलकर अब एसोसिएशन के अंदर काम करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए नजर आएंगे। तो बड़ा सवाल अब यहां पर यह है कि जिस तरह से बीसीसीआई की तरफ से बड़ा नाम अब घोषित कर दिया गया है, तो यहां किस तरह से सूरत हाल आने वाले समय में बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कल जिस तरह से राजनीतिकरण करने के भी आरोप लगते हुए नजर आए, आम जनता का यह कहना था कि बीसीसीआई की तरफ से राजनीतिकरण जो है वो करने की कोशिश की गई है क्रिकेट एसोसिएशन की, जो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। अगर यहां किसी भी नुमाइंदे को लाया जाना था तो वो क्रिकेट जगत से जुड़ा होना चाहिए था, यहां पर जितने भी सियासतदान हैं उन्हें दूर रखा जाना चाहिए था, क्योंकि पहले बात की जाए तो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट यहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला रहे हैं और उनके समय में जिस तरह से घोटाले देखने को मिले थे, अब लगातार आप देखिए किस तरह से बीसीसीआई की तरफ से बड़ी खबर जो है वो देखने को मिली है, माजिद डार का अब नाम शामिल हो गया है। तो जाहिर तरीके से कहीं ना कहीं अब सवालिया निशान ये है कि ये चारों मिलकर किस तरह से काम जो है वो करेंगे, युवाओं को लुभाने का काम किस तरह से होगा या युवाओं को जिन सुविधाओं की जरूरत है उस पर किस तरह से बीसीसीआई अब खरा उतरती हुई नजर आएगी, ये देखने वाली बात है कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर कैसे वो काम करेंगे, किस तरह से अपने पद को संभालेंगे, एसोसिएशन मिलकर किस तरह से काम करेगी, युवाओं को लुभाने का काम करेगी या फिर युवाओं को जो असुविधाएं हो रही थी खेलों को लेकर उन्हें दूर करने की कोशिश की जाएगी, देखना यह होगा। और अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस तरह से मिथुन मनहास का नाम रखा गया, तो जाहिर तरीके से लोगों में खुशी की लहर तो देखी गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि लोगों की तरफ से आरोप यह भी लगाए गए कि बीसीसीआई की तरफ से राजनीतिकरण की करने की कोशिश की गई, यहां पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, खेलों के मद्देनजर रखते हुए यह सारा काम जो है वो होना चाहिए था, जिस पर अब सवालिया निशान ये बन रहा है कि जिस तरह कश्मीर से कल खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि आखिर सारे लोगों को जम्मू सूबे से ही क्यों बीसीसीआई की तरफ से यहां पर रखा गया और आरोप ये लग रहे थे कि सबसे ज्यादा जो जगह है वो जम्मू को दी गई है, लेकिन आज कश्मीर के भी नुमाइंदे का अगर नाम सामने आता है तो कहीं ना कहीं एक पूरी तरह से यहां बैलेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। अब यहां जानना बहुत जरूरी है कि आखिर जिन खबरों को कल यहां हवा देने की कोशिश
कोशिश की जा रही थी, उन हवाओं को अब किस तरह से बंद किया जाएगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि माजिद डार का अगर नाम सामने रखा गया है तो जाहिर तरीके से लोगों को अब यहां पर आपस में मिलकर काम करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अब एसोसिएशन के 4 मेंबर हो चुके हैं, जिसमें बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, सुनील सेठी, मिथुन मनहास और माजिद डार का, ये चारों नाम जो है वो सामने आ चुके हैं एसोसिएशन के अंदर। ये बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। देखना यह होगा कि क्या कुछ जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर बदलाव जो है वो देखने वाली बात होगी कि आखिर आने वाले समय में किस तरह से बदलाव करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आपको लिए चलते हैं जिला सांबा, और जिला सांबा के अंदर आपको दिखाना बहुत जरूरी है कि किस तरह से अब लोग धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे पर दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे जो बनाया जा रहा है इस पर पूरी तरह से पैंच जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे पे निर्माण पर पूरी तरह से ये पैंच फंस गया है और सांबा की दियानी पंचायत के चकजंगी गांव के लोगों ने एतराज जता दिया है और गांव में टर्मिनल के निर्माण का लोग पूरी तरह से विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और निर्माण के लिए जमीनें देने को भी अब यहां लोग बिल्कुल भी राजी नहीं है। प्रदर्शन करने को ये लोग मजबूर हो गए हैं और जाहिर तरीके से पहले भी यहां पर रेट्स को लेकर मांग जो है वो उठी थी कि जो रेट्स दिए जा रहे हैं वो मुकम्मल तरीके से नहीं दिए जा रहे हैं, पहले ही जमीनें जो है वो अपने अधीन कर ली जा रही हैं, इस तरह से आरोप यहां पर लोगों की तरफ से लगाए जा रहे थे, क्योंकि दिल्ली और कटरा एक्सप्रेस वे जो निर्माण कार्य शुरू होने वाला था उस पर अब पूरी तरह से पैंच फंसता हुआ एक बार फिर से देखा जा रहा है, क्योंकि सांबा के दियानी इलाके की अगर बात की जाए तो पंचायत के जखजंगी गांव के लोग जो हैं वो यहां पर अब विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने पूरी तरह से एतराज यहां पर जता दिया है और गांव में टर्मिनल के निर्माण पर लोग अब पूरी तरह से विरोध दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं और निर्माण के लिए जो जमीनें देने की बात कही गई थी उस पर भी अब लोग यहां पर राजी होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आखिर क्या कुछ कारण है, क्या यहां पर भी रेट को लेकर कारण बनाया गया है या फिर किस वजह से लोग अपनी जमीनें देने की वजह नहीं सामने रख पाए हैं, ये देखना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे के निर्माण पर जिस तरह से पैंच फंसता हुआ नजर आ रहा है, साफ तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लोग जो है वो धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, वो इस एजेंसी को अपनी जगह देना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि लगातार आप देखिए कि टर्मिनल के निर्माण को लेकर लोग यहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और अब ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये टर्मिनल कहां बनाया जाना चाहिए, कहां पर अपनी मांग ये लोग रख रहे हैं, ये देखने वाली बात है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस तरह से टर्मिनल के विरोध को लेकर यहां जो लोग हैं वो खड़े हो गए हैं, टर्मिनल के निर्माण को लेकर खड़े हो गए हैं, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि आखिर अपनी जमीनें देने की वजह क्यों लोग नहीं रख रहे हैं सामने, क्या ऐसी वजह है कि लोग अपनी जमीनें नहीं दे रहे हैं एक्सप्रेस वे को? देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये जो सांबा जिला की दियानी पंचायत है और दियानी पंचायत से ही जो एक्सप्रेस हाईवे है वो गुजर रहा है, यानी वहीं से वो बनने जा रहा है और उसी दियानी पंचायत में एक टर्मिनल जंक्शन बनेगा, वो जो टर्मिनल जंक्शन बनेगा वो जो किसान योग्य भूमि है वो वहां पर बनने जा रहा है, लेकिन यहाँ के जो गरीब लोग हैं जो किसानी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जो अपना घर बार उसी के ऊपर चलाते हैं, तो वो जो सारी कृषि योग्य भूमि है वो उस टर्मिनल जंक्शन के अधीन आ रही है और जब वहां पर टर्मिनल जंक्शन बन जाएगा तो वो जमीनें सारी वहां चली जाएंगी और इनका जो कोई सोर्स ऑफ इनकम था वो सारा खत्म हो जाएगा और इनके कई लोगों के घर भी उसमें जो है वो आ रहे हैं और यहाँ के लोगों की यही मांग है कि जो गवर्नमेंट ने खुद अलॉट जगह की थी तो ये जगह नहीं जानी चाहिए, लिहाजा यहाँ से टर्मिनल जंक्शन को शिफ्ट कर देना चाहिए। हालांकि लोग स्वागत भी कर रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है ये एक अच्छी बात है कि दिल्ली से कटरा तक की दूरी कम होगी, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए, 60 साल से ज्यादा का समय हो चुका है जो लोग इन भूमियों पर खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मसले पर लोग जो लगातार प्रशासन तक आवाज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसी के ऊपर मेरे साथ भी बात करने के लिए यहाँ के डीडीसी मेंबर मौजूद है रमेश जी, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा। आपको जानना चाहता हूँ ये जो पूरा मसला बना है जो टर्मिनल यहाँ पर बनने जा रहा है तो किसानियों की जो भूमि है वो सारी आ रही है, हालांकि वो कस्टोडियल लैंड बताया जा रहा है लेकिन अलॉट जगह आपको की थी सरकार ने, इसको लेकर क्या दिक्कतें परेशानियां आ रही? देखिए जनाब, जो चक जंगी सरगाल है पंचायत दियानी ब्लॉक सांबा में है, इसमें क्या है कि जो दिल्ली से कटरा तक जो सुपर एक्सप्रेस वे बन रहा है हम उसके खिलाफ नहीं है, उसका हम स्वागत करते हैं, सभी किसान सभी लोग उसका वेलकम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसे गवर्नमेंट टर्मिनल जंक्शन गवर्नमेंट बनाने जा रही है जिसमें कम से कम 50 से 60 परिवार जो है वो उनकी जमीन एग्रीकल्चर जमीन उसमें जा रही है, जो वो जमीन जा रही है वो कस्टोडियल लैंड है और एग्रीकल्चर लैंड है, और जब ये अलॉट की गई थी तो लोगों को जो उम्मीद थी कि जो अलॉटमेंट जमीन है जो हमारे से कोई नहीं छीन सकता,
लेकिन आज ये जो जमीन जब जा रही है इसके बदले ना तो गवर्नमेंट जमीन दे रही है। सवाल के लिए जब अलॉटमेंट की गई थी उस वक्त विरोध क्यों नहीं किया गया, अब 7 साल हो चुके हैं और अब ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको कहीं और नॉन एग्रीकल्चर। सवाल है कि जब ये जमीन आपको अलॉट हुई थी तो तब क्यों नहीं ये प्रदर्शन किया गया, उस समय आप अपनी अगर बात रखते तो शायद इसके ऊपर कोई प्रशासन एक अच्छा कदम उठाता, लेकिन अब जिस तरह से ये जो पूरा प्रोजेक्ट फाइनल हो रहा है उसके लिए क्या कहूँ। देखिए जनाब जो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जब जो अलॉट की गई थी 1965 में अलॉट की गई थी या 60 में की गई होगी, तो उस वक्त के हालात कुछ और थे, आज कुछ हालात और हैं। आज की जो गवर्नमेंट है लोगों को उनसे काफी तवक्कुआत है कि ये गवर्नमेंट जो है जो इस वक्त की गवर्नमेंट है उनसे इतनी उम्मीद है कि यही एक गवर्नमेंट है जो इस कस्टोडियन जमीन का जो मसला है जो हल कर सकती है। उसी के सिलसिले में जितने भी लोग जो है काफी लोग इससे अफेक्टेड हुए हैं, जो कस्टोडियन लाटे लोग हैं काफी वक्त हुए हैं, किसी की सड़कों में जमीन आई कहीं कोई और है किसी को कोई मौजूद नहीं। सवाल कीजिए कि क्या चाहते हैं, कहां पर टर्मिनल का निर्माण जो है वो होना चाहिए, कौन सी ऐसी जगह पर शिफ्ट किया जाना चाहिए, उसे ये रिक्वेस्ट है कि इसका कुछ न कुछ। तो मैं आपसे अब जानूंगा, चलिए ये तो आ गया एक मेन कारण, अब आप क्या चाहते हैं कि ये टर्मिनल कहाँ पर शिफ्ट होना चाहिए, कोई ऐसी जगह आपको लगता है कि आपके पंचायत में है कि वो टर्मिनल वहां पर बनाया जाए और इस प्रोजेक्ट में कोई बाधा भी ना। चलिए फोन लाइन पर ले लीजिए ऋषि को, शायद संपर्क ऋषि के साथ कट गया है, एक बार फिर से संपर्क साधिए ऋषि के साथ। ऋषि आपको यही अपडेट कर रहा हूँ कि जितना भी यहाँ की जो स्थानीय लोग हैं वो आज लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं और प्रदर्शन करने की जो वजह सामने आई है वो आपको ये कि जितनी भी कस्तूरी लैंड है वो सारी की सारी जो किसी भूमि है वो इस जंगल जंक्शन के अधीन आ रही है, वहाँ पर जो संजय जंक्शन बनाया जाएगा, लेकिन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हमारे बारे में सोचा जाए क्योंकि 70 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चला है यहाँ पर। लेकिन अगर ऋषि कस्टोडियन की जगह है तो कस्टोडियन इनको जगह अलग से रहने के लिए मुहैया कराएगा और उसके बाद ही यहाँ पर निर्माण कार्य जो है वो शुरू होना चाहिए था, कुछ ऐसा हुआ है वहाँ? देखिए अभी तक ऐसा कुछ नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से आपने भी सुना कि यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पहले हालात कुछ थे अब हालात कुछ और हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हीं हालातों को देखते हुए ये लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो सरकार है इस समय प्रेजेंट जो सरकार है वो लोगों के हित के बारे में सोच भी रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट फाइनल कर रही है, लेकिन गरीब लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जो लगातार आपको बताएं कि गुजारा जो करते हैं वो बड़ी मुश्किल से खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते हैं, तो यही आपको मैं अपडेट कर रहा हूँ कि यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि वो किसी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे, लेकिन बस वो ये चाहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं उनको कम से कम कुछ ऐसा एक जरिया बनाया जाए ताकि इनकी जो किसानी योग्य भूमि है वो बची रहे और अपने घर का गुजारा भी करते रहे, क्योंकि कुछ लोगों के घर भी यहाँ पर टूट रहे हैं, तो उनका क्या कहेंगे जो घर टूट रहे हैं। हम तो चाहते कि कुछ शिफ्ट किया जाए जहाँ पे ना तो घर टूटे किसी का और ना ही एग्रीकल्चर जमीन का व्यवस्था की पैच की जाए, हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है। सिंपल एक रास्ता चाहते हैं कि ये तने में बने अच्छी बात है, ये जो एक्सप्रेस हाईवे बनता अच्छी बात है, लेकिन इन लोगों की जो सरकारी जगह अलॉट हुई थी कस्टोडियन उसके बारे में सोचा जाए, कम से कम इनको दूसरी जगह पर जो है वो शिफ्ट कर देना चाहिए और इनके गरीब लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से आम लोग जो है वो धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेस वे को लेकर काम जो है वो शुरू किया गया है, टर्मिनल निर्माण का काम जो है वो शुरू करने की कोशिश की गई है, लेकिन आमजन यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका साफ तरीके से कहना है कि लोगों के हक की आवाज को सुना जाए और उन्हें सुविधाएं यहाँ पर पहुंचाई जाए, क्योंकि अगर एक्सप्रेस वे खुलता है तो जाहिर तरीके से रोजगार के साधन भी खुलेंगे, लेकिन उसके साथ ही आम जनता दर बदर ना हो इसके लिए भी प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है, सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। चलिए अब आपको किश्तवाड़ की सैर करवा देते हैं, क्योंकि लगातार यहां पर किस तरह से बड़ी खबरें देखने को मिल रही हैं। इस वक्त मचेल माता यात्रा को लेकर बात कर लेते हैं, आपको बताना बहुत जरूरी है कि श्री माता मचेल और साथ ही साथ हुड माता यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस यहां शुरू होने की
फाइनल जो एक कवायद है वो देखी जा रही है और गुलाबगढ़ से मचेल तक 2565 रुपए किराया तय किया गया है। दोनों यात्राओं को लेकर अभी तक यहां औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मचेल यात्रा 25 जुलाई और हुड माता यात्रा 11 जुलाई को शुरू होने का अनुमान लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि श्रीनगर के साथ साथ किश्तवाड़ से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर श्री माता मचेल और साथ ही साथ हुड माता यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस को फाइनल एक का पूरी तरह से टच जो है वो दे दिया गया है। गुलाबगढ़ से मचेल तक अगर आप यात्रा करते हैं तो आपको 2565 रुपए चुकाने होंगे, ये किराया पूरी तरह से तय कर लिया गया है और दोनों यात्राओं को लेकर अभी तक कोई भी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। मचेल यात्रा 25 जुलाई और हुड माता यात्रा 11 जुलाई को शुरू होने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। तो ये उन भक्तों के लिए सौगात है जो जाना चाहते हैं, लेकिन किराया यहां पर माकूल तरीके से फाइनल कर दिया गया है, तय कर दिया गया है, लेकिन अभी तक औपचारिक घोषणा कोई नहीं हुई है। अजय शान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, किस तरह से पूरी यात्रा को लेकर प्रबंध किया गया है प्रशासन की तरफ से, जरा वो बताइए। जो मचेल यात्रा है इसका प्रबंधन हाईकोर्ट के निर्देश देख रहे हैं, तो ही ये यात्रा का शुरू हुआ है। तो प्रशासन की तरफ से हालांकि प्रबंध है, यात्रा पर सुविधाओं का उपलब्ध तो या मचेल दरबार में उनको लेके और इसके साथ साथ तो अहम सर्विस है कि सेवा पहले शुरू कर दी जाती थी 25 जुलाई से लेके उसको लेके तब ये गए। हमारे पास अधिकारी तौर पर लेटर भी मिला है कि दो पार्टियों ने इसको बेच दिया है और पहले ही 2700 से ज्यादा होता इस बात करीब 2500 किया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक दक्षिण क्रिया जो है वहाँ माता यात्रा जाती है जो के पहले दिन उसके 9 दिनों के इसी कंपनी इन्हीं दो कंपनी को दिया गया और ये किराया करीब 9000 किया गया है। कुल मिला के हालांकि कोविड के चलते अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया, लेकिन प्रशासन ने इन दोनों यात्राओं को लेकर अपने प्रबंधों को लेकर। अजय, क्या लगता है कि कब तक औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि महज अगर 11 जुलाई को शुरू करना है तो इस महीने की अंतिम तक इसे पूरी तरह से घोषणा कर देनी चाहिए प्रशासन की तरफ से। क्या लगता है कि क्या अनुमान है, कब तक घोषणा होगी? देखिए आशा, इसमें कई चीजें सामने आ रही हैं। जैसे हमने पिछले हफ्ते देखा कि 8 डिस्ट्रिक्ट में ढील दी गई थी, लेकिन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट उसमें इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहाँ पर डेथ हुई है कोविड के चलते, मामले और भी आ रहे हैं। हालांकि उनका नंबर बहुत कम है, लेकिन जो मॉर्टलिटीज हुई है, डेथ हुई है, उसके चलते अभी रिलैक्सेशन कोविड में नहीं दी जा रही है। तो उसके चलते प्रशासन भी कहीं ना कहीं असमंजस में है कि फैसला क्या लिया जाए, लेकिन तैयारियां जो है उनका ये कहना है कि अपनी तरफ से हम पूरी प्रिपरेशन रखेंगे ताकि एन वक्त से हमें कोई प्रेशर ना पड़े और जैसे ही कोविड की सिचुएशन गुजरती है दोनों यात्राओं को लेकर, चाहे हुड माता यात्रा हो या मचेल यात्रा, इनको लेकर फाइनल डिसीजन उस समय लिया जाएगा। लेकिन जब हमारे पास जो लोकल छोटी यात्राएं थे उनको फिलहाल रद्द कर दिया गया है। अजय, जरा ये समझाइए कि अगर यात्रा होती है तो किस तरीके से एसओपीज का पालन करवाया जाएगा प्रशासन की तरफ से, उसको लेकर कोई इंतजाम कर दिए गए हैं कि कितने लोगों को पहले ले जाया जाएगा, कितने श्रद्धालुओं को छोड़ा जाएगा, कुछ इस तरह से कोई बैचेस बनाने की कोशिश की गई? जी बिल्कुल, प्रशासन ने डिफरेंट एजेंसी से बातचीत करके कई प्रकार के लोग जो है यात्रा से जुड़े हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनसे बातचीत शुरू कर दी है। लेकिन प्रशासन एक जो बात है दो तो कह दी है कि विदाउट टेस्टिंग कोई यात्रु एलो नहीं किया जाएगा मचेल दरबार के लिए, चाहे उनको किश्तवाड़ में करना पड़े, खाटी में करना पड़े या गुलाबगढ़ में, उनकी सैंपलिंग जरूर होगी और उस रिपोर्ट के बेस पर ही उसको आगे जाने की इजाजत होगी। तो जहां तक यात्रियों के जाने का सवाल है, कितने यात्री जाएंगे उसको एक लॉट में भेजा जाएगा, कानवाई में भेजा जाएगा, इस तरह की भी चर्चा हो रही है कि पहले जिस तरह से पूरे दिन यात्रा चलती थी वैसा मुमकिन है कि इस बार ना हो, क्योंकि सुरक्षा कारणों से एक ग्रुप में यात्रा को भेजा जाएगा, गाड़ियों को भेजा जाएगा। तो कई चीजें आती है जो चर्चा में है, लेकिन फाइनल अभी कुछ चीजें हुई नहीं है क्योंकि प्रशासन से हमारी बात की है, उनका ये कहना है कि सब चीजों को एक्सेप्ट करने के बाद ही फाइनल कर ली जाएगी। चलिए अजय, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अजय शान हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से अभी तक औपचारिक तरीके से ही बताया गया है, औपचारिक घोषणा तो नहीं की गई है, लेकिन एसओपीज का पालन कराने का पूरी तरह से यहां प्रयास जो है वो किया जाएगा। 3 स्टेशन बनाए जाएंगे जहां पर गुलाबगढ़ का नाम उन्होंने लिया है, ठाठरी का नाम उन्होंने लिया है और उसके साथ ही साथ आप देखिए कि मचेल के अंदर किस तरह से यात्रा को करवाया जाएगा वो सारी जानकारी अजय ने साझा की है, लेकिन अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं की गई है।
चलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इंजीनियरिंग के लिए एक बड़े शाहकार यानी बनिहाल काजीगुंड टनल का उद्घाटन कर सकते हैं। उद्घाटन की तारीख हालांकि अभी तक तय नहीं हो पाई है, लेकिन सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री स्वयं यहां पहुंचकर या फिर वर्चुअल तरीके से इस टनल का उद्घाटन कर सकेंगे और इसे आवाम को समर्पित कर सकते हैं। सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी व पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी उद्घाटन के मौके पर मौजूद रहेंगे, जिनके लोकसभा हल्के में इस टनल का निर्माण किया गया है। तो 21,000 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर ये करीब बनी हुई है पूरी तरह से टनल, और करीब 8.5 किलोमीटर लंबी इस टनल ने बनिहाल और साउथ कश्मीर के काजीगुंड के बीच की दूरी 16 किलोमीटर कम कर दी है और लोगों को अब शैतानी नाला और जवाहर टनल क्रॉस नहीं करनी पड़ेगी। टनल के बनने से काफी जो है लोगों को फायदे मिले हैं। और आपको पता होगा जो जवाहर टनल एरिया है उस एरिया में खासकर विंटर सेक्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को होती थी। एक तो खतरा भी रहता था क्योंकि काफी स्लिपरी कंडीशन रहती थी और पहाड़ी एरिया है, तो इस टनल के बनने से लोगों को का जो टाइम है वो भी बचेगा, एक उनको स्मूथ ट्रैवल भी मिलेगा, तो वही ज्यादा फायदा जो है बनिहाल के लोगों को मिलेगा। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स को वहां से रेफर किया जाता है श्रीनगरिया अन्नता के लिए, तो उनको जब वो जवाहर टनल से होकर आते थे तो काफी टाइम लगता था उनको और उनके पेशेंट्स की डेथ भी कई बार वहां पे हुई है, तो यहां से उनको बिल्कुल स्मूथ मूवमेंट मिलेगा, कोई जाम नहीं मिलेगा, तो वो 10 मिनट के अंदर अंदर बनिहाल से काजीगुंड बिल्कुल बिल्कुल जैसे हम बात करें जो नगरमुंडा एरिया था या पूरा जवाहर टनल से लेके जो शैतानी नाला बनिहाल एरिया है या जवाहर टनल से लेके जो यहाँ तक का एरिया उसमें खासकर नगरमुंडा भी आता है, वहाँ काफी ज्यादा रोजगार चलता था। जैसे आपको पता होगा कि काफी ज्यादा दुकानदार वहाँ पे अपना अपना जो है रोजगार चलाते थे, लेकिन अब वो सारा एरिया कट हो जाएगा तो यहाँ से गाड़ियाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड चली जाएंगी, तो उन लोगों के लिए काफी परेशानी। अब बिल्कुल गवर्नमेंट से क्या उम्मीद रखेंगे, फिलहाल तो टनल ये भी एक जरूरी चीज थी क्योंकि काफी परेशानियां लोगों को उस साइड से होती थी जो टनल के लिए, तो ये भी एक जरूरी चीज है। अब अगर एक साइड पे डेवलपमेंट होती है तो दूसरे साइड से उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। जो अभी ये साई टाउन का हिस्सा होने जा रहा है ये लोगों की बहुत बड़ी डिमांड थी, बहुत पहले से डिमांड थी टाउन जल्द से मुकम्मल हो जाए। इससे पहले क्या होता था कि हमें कम से कम 2 घंटे लगते हैं बनिहाल तक, लेकिन अब नई टाउन बन रही है इसमें 15 मिनट या 20 मिनट तक हमें पहुँच सकते हैं बनिहाल, और इससे कुछ फायदे भी है जिससे हमारा टाइम बच जाता है, लेकिन इसके बावजूद बाकी जो चीज़ें हैं लोगों का जो बेरोजगार है इसमें इस तरह यहाँ के जो लोग थे या वहाँ के लोग जिनका रोजगार कर रहा था इनका डाबे चल रहे थे वो बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ जमा करना चाहिए, उनको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या कोई ऐसा बनाना चाहिए इस साइड से भी और वहाँ से भी, ताकि जो इतने डाबे वाले हैं इनको वहाँ पर एडजस्ट कर पाए और वहाँ से भी जो लोग हैं उनको भी एडजस्ट कर पाए, ताकि जो लोग इस तरह से कैसे मुतासर हो गए इनका बेरोजगार मुतासर हुआ है ताकि वो कुछ रोजगार कमाएँ। तो जम्मू के सबसे बड़े जच्चा बच्चा अस्पताल यानी शालामार स्थित एसएमजीएचएस अस्पताल की शक्लो सूरत बदली जा रही है और इस अस्पताल में बने हुए गायनी वार्ड्स का स्वरूप अब और निखर रहा है और पुराने संसाधनों को बदलकर नए संसाधन मुहैया करवाए गए हैं। कुछ वार्ड्स में ये काम पूरा हो गया है जबकि अन्य का काम युद्ध स्तर पर जारी है। कि आप जानते हो कि ये बच्चों का और लेडीज का हॉस्पिटल है जहाँ प्रेग्नेंट लेडीज की डिलीवरीज होती हैं, तो हमने अब इसको साफ सुथरा रखने के लिए एक मिशन छेड़ा है। आपने देखा होगा कि हमने ये काम वार्ड एक से शुरू किया है, वार्ड दो तो तैयार हो गए हैं, 4 में काम लगा हुआ है, ऐसे ही हम 3 को करेंगे और स्टेप वाइज पूरे हॉस्पिटल को अपग्रेड करेंगे सो दैट ये एक कॉर्पोरेट सेक्टर से कम नहीं हो। इसमें हम बेड्स वगैरह भी चेंज कर रहे हैं, पूरा पेंट्स बेडी कर रहे हैं, पूरा जहाँ जहाँ जो चीज़ ठीक नहीं है उसको हम रिपेयर कर रहे हैं, ऐसे फर्नीचर्स को रिपेयर कर रहे हैं, ऑप्शंस का भी हमने जो स्क्रैप है उसको ऑप्शन कर रहे हैं और इसके साथ ही जो लिनन है उसको हम राइट अप कर रहे हैं सो दैट इसके लिए हमारी जगह भी खाली हो जाएगी और इन्फेक्शन भी कम हो जाएगी। तो जिला रियासी की पौनी तहसील के गांव भारक को पर्यटक स्थल के रूप में यहां विकसित करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस गांव में स्थित भारक नाले का प्राकृतिक जल स्रोत लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लेकिन यहां सुविधाओं का अभाव है और लोगों को हमेशा ही अखरता आया है।
तो प्रकृति की गोद में बसे इस गांव के बारे में अभी तक जम्मू सूबे के लोग ही जानकारी रखते हैं, जबकि माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये अभी भी दूर की कौड़ी साबित हो रहा है। तो स्थानीय लोगों की माने तो सरकार अगर यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मसौदा तैयार करे तो उसे अमली जामा अगर वो पहनाती है तो ये इस इलाके के लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा, तो साथ ही साथ सरकारी खजाने में भी बढ़ोतरी करने में कारगर साबित हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस पिकनिक स्टॉप को अगर अपनी निगाह में लेकर बनाएं तो ये बहुत एक अच्छी स्पॉट बन सकता है, क्योंकि यहाँ जो शिवखोड़ी वगैरह लोग यात्री जाते हैं वो भी आकर इस नाले में ठंडे पानी का एंजॉय करते हैं, नहाते हैं, पानी हानी पीते हैं, बहुत ठंडा और मीठा पानी है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करेंगे कि वो कुछ इस इलाके की तरफ थोड़ा ध्यान देकर इसकी थोड़ी सेहत सफाई और सफाई अगर और इसको स्पॉट किसी पिकनिक स्पॉट तो है ही है, लेकिन थोड़ा इसको इम्प्रूवमेंट कर दें। इधर बहुत ही अच्छी जगह है, इधर टूरिस्ट आते हैं। इधर एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि इस जगह को देखा जाए, बहुत ही ब्यूटी है इधर, तो लगभग बहुत दुनिया आती है, दिन के कम से कम 400-500 लोग इधर आते हैं, और बहुत ही ठंडा मौसम है इधर का, जितनी मर्जी गर्मी होगी लेकिन इधर ठंडा ही मौसम रहेगा। अस प्रशासन अगे सरकार अगे गुजारिश करने हैं, रिक्वेस्ट करने हैं कि इस नाले की टूरिज्म स्पॉट बनाया जाए, ता कि इत्थे जेड़े श्रद्धालु जेड़े नाले दे खासकर पानी उपर आने वाले जे लोग न जा पिकनिक करने वाले वास्ते कुछ लोग इत्थे आंदे न, उनेंगी कुछ फैसिलिटी कोई बेहतर जगह मिली आ बैठने दी, और बड़ी अच्छी जगह है। इस जगह दी जेड़ी है खासियत है कि आर्मी मुंडी टाप उपर पानी इत्थों जांदा, संगड़ सप्लाई इत्थों होंदी, और भारत ग्रिफ दे कैंप और जिन्ने भी लोकल लोग न जिनेंगी पानी की परेशानी आती और लोकल टैंक जेड़े न वो इत्थे काम करदे और घर घर पानी दिंदे, वो एक बड़ी बड़ी गल है साढ़े भारत वास्ते। अस चाहते हैं कि इस नाले की जेड़ी सरकार है, नुमाइंदा सरकार है जां प्रशासन है, वो अपनी देख रेख में कोई एक स्पॉट बनाई दे, पिकनिक स्पॉट बनाई दे। में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।